केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल आज सुबह भुवनेश्वर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारा यहां एक दिवसीय कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने के आधार पर 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और इसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। हम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं आज इसी सिलसिले में यहां आया हूं। बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा और सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, शाम तक रुकेंगे, अलग अलग जगह करेंगे। अभी स्वच्छता पखवाड़िया जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 में आदरणीय पूज्य जो महात्मा गांधी जी का एक सपना था, उनकी जो कल्पना थी स्वच्छ भारत की, उन्होंने देश को गुलामी से मुक्त करने का जितना महत्व समझा था उतना ही स्वच्छता को भी महत्व दिया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 2014 से जो काम शुरू किया था, वही काम को आज 2010 साल पूर्ण हुए हैं। उसी का हम 17 सितंबर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्मदिन से महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़िया मना रहे हैं। उसी के आधार पे हमने अभी तक रूरल एरिया में भी 10 लाख से ज़्यादा अलग अलग कार्यक्रम किए हैं।